ਡੰਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ हेलो भाई जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई जी सर पिकनिक वास्ते आए हैं टेंशन ना लो। तो अस्सलाम वालेकुम अभी मैं जहाँ पे लेटा हुआ हूँ ये मैं कोई पिकनिक पे नहीं आया हुआ। हम सारे टंकी के लिए बैठे हुए हैं कुछ ये हैं कुछ मारे वो कुछ अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी तो रात तक इधर बैठेंगे हम उसके बाद फिर रोड के ऊपर से ट्राला आएगा उसके बाद हम निकल जाएंगे। ये आप लोगों को ज़िंदगी में कोई बंदा लाइव डंकी इस तरह की जो है ना वो नहीं दिखा रहा। तो इस वजह से यार एक लाइक सब्सक्राइब बनता है यार। ओ भाई की या बाहर सारे ने मारा बाहर की मारा ये जी कैसी कैसी दुनिया सीधे धक्के खानी है पई कैसी दुनिया हाँ जी की हाल चाल है सारे ठीक हो हाँ जी यार भाई कैसा लग रहा है हैं मौलवी साहब पिछली जाग है ना है भाई राती सन रात को सिर्फ एक बजे उतारा है भाई उरी ने इधर डंकर ना ते कदीर साहब जी जी सुनाओ जी बड़ा अच्छा यार सारे आओ सारे आओ सारे एंजी ना जलील होए तो वालेकुम। तो अभी हम रात के एक बजे हम उतरे हैं ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे ऑस्ट्रिया बॉर्डर क्रॉस करके ना सॉरी हंगरी का बॉर्डर क्रॉस किया ऑस्ट्रिया में घुसे मतलब इंटर हो गए हम। तो उधर से अब अभी एक जगह पे बैठे हुए ऐसी झाड़ियाँ हैं उनके अंदर ना तो अभी तक कोई सीन नहीं बन रहा आगे जाने का। उसकी वजह ये बनी है कि आगे की जो उनकी प्लानिंग थी एजेंट्स हजरात की वो बंदा अभी कॉल नहीं उठा रहा है। खैर जो भी सीन है पिछले तीन दिन से खाया पिया कुछ नहीं है इस तरह का मतलब यही है कि चॉकलेट्स थी या कोई थोड़ा बहुत पानी था। अभी
कोई हो गया है कोई मुझे। कल रात तकरीबन 10 बजे वहाँ से निकले थे, अब 10 बजे ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल नॉन स्टॉप मतलब इन्होंने गाड़ी चलाई है तो हंगरी पहुँचे हैं, कोई हंगरी पहुँचे हैं। ये तकरीबन कोई ना दिन का टाइम था कोई 10 बजे, मतलब आज सुबह 10 बजे ना, नहीं आई एम सॉरी रात के ना रात के 12 बजे ये पहुँचे हैं नेक्स्ट डे। तो उसके बाद ये उधर से निकले हैं, हम परसों निकले हैं 10 बजे रात के। उसके बाद दूसरे दिन उसके बाद हम पहुँचे हैं कोई तकरीबन 8 बजे अंगरी में। 8 बजे उस जो ड्राइवर था गाड़ी वाला उसने गाड़ी पार किया धूप के अंदर, तो हम सारे बंदे ना 8 से ले के रात फिर 11 बजे तक स्टिल एक जगह पे रहे हैं। पानी शानी ख़त्म हो गया था, खाना पीना था ही नहीं, हमारा तो यही सीन था कि वैसे गेमें 8 से 12 से 15 घंटे में चली जाती हैं, लेकिन रात को सीन ऐसा बना है कि मतलब आगे का कोई प्लान नहीं बना, जिसकी वजह से फिर उधर वहाँ पर इनको स्टे करना पड़ा है। तो उसके बाद उधर सारा दिन धूप में बैठे रहे हैं। उसके बाद फिर रात को 11 बजे गाड़ी चली है, गाड़ी ने फिर हमें इधर हंगरी का बॉर्डर भी क्रॉस करवाया और ऑस्ट्रिया का भी, जो मतलब हंगरी से आगे आता है ऑस्ट्रिया इन हो के हम एक जगह पे बैठ गए हैं, एक जगह पे बिठाया हुआ है। ऐसी जगह है ये देखें, ये सारा ना एरिया जो है ऐसी जगह पे बिठा दिया है। तो कहते हैं कि अभी लेने आ रहे हैं, अभी लेने जा रहे हैं, अभी कोई पता नहीं चल रहा कब आएंगे कब जाएंगे। तो भूख प्यास से इस टाइम हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन है, अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकालेगा। मुश्किल है यार ये, लेकिन चलो कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा। असल में इधर आने का प्लान तो यही था कि ये देखो ना ये झाड़ी हिरन देखी है मैंने कहा चलो देखते हैं कोई पत्ते छत्ते खाने वाले मिल जाते हैं। उधर हिरन भी हैं सामने ना, आप देख सकते हो हिरन भी हैं इधर, तो बड़ी बात है। तो मैं इधर कोई चीज़ ढूंढने आया था, कोई खाने वाली को मिल जाती है, देखते हैं कोई चीज़ मिलती है खाने के लिए। मैं तो खाली पेट हूँ, समझ नहीं आ रही है, फूल है अभी इसका ये जो बताइए खाने का लायक भी है। उधर हिरन मुझे देख के खड़े हो गए हैं, पता नहीं बेचारे भाग गए हैं कहीं पे, एक अजीब सी जगह है, कोई समझ नहीं आ रही है, जंगल कह सकते हैं इसको या क्या कह सकते हैं। इधर सारा एरिया ऐसा है कि ये कुछ एरिया ऐसे हैं कि यहाँ पे मतलब ना ये इन्होंने ना खेती बाड़ी का काम चलाया हुआ है, और बीच बीच में दरख्त है, और उधर कुछ आबादी है गारिश, लेकिन हम सारे इलीगल हैं, हम नहीं जा सकते। उस एजेंट के हम वेट करेंगे कि वो हमें कब लेता है, चल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कैंप वाले भाई समान देंदे पे इंसान हाथ रख दिता ना फोल गेट जगह पिछा ये एक दो है, वन या टू, वन ओके 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 ऑस्ट्रिया के कैंप भेज दान सामान दिता गया है, जो से नाओ दो वो फ्रेश हो वो। वेयर वी गो ब्रो, कैंप शैम सेट करो। ऑस्ट्रिया कैंप में हम सारे, ये ऑस्ट्रिया का कैंप है, और अभी हम ये सामान शामान उन्होंने दिया है, अभी कुछ मैं अंदर रख के आया हूँ, तो उसके बाद फिर मुँह हाथ धोते हैं फिर आगे। कैंप वालों ने खाना शाना दिया उधर से रिसीव किया रिसेप्शन से, तभी खाना खा रहे हैं।
हेलो। अच्छा तो ऑस्ट्रिया वाला ने जो हमें कैंप दिया है वो मैं ये कैंप दिया है 8-8 बंदों को, देख सकते हो ये कैंप शैम्प दिया इन्होंने। और यकीन करें ऑस्ट्रिया के लोग, ऑस्ट्रिया की पुलिस, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है ना यूरोप शेंजन जोन के अंदर ऑस्ट्रिया के साथ, बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही अच्छा मतलब रहना सहना और इंतहाई हम्बल लहजा, बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते कि बंदे की कितनी कदर करते हैं। तो ये कैंप हमें दिया है, ये सबको रूम मिला है, 8 बंदों को रूम शूम मिला है हमें। तो नीचे से मेडिकल हुआ है सारा, मेडिकल में उन्होंने हमारी चेस्ट स्कैन है, उसके बाद कुछ टीके शीके लगाए हैं, उसके बाद सारा चीज़ बताया किसी ने काम करना हो। अभी तो कैंप के अंदर बस इतना काम है, बस ना अपना पॉकेट मनी के लिए, लाइक महीने के मंथ के जो है ना 100 यूरो से 150 यूरो बनेगा वो अपने पॉकेट मनी के लिए। बाकी उसके बाद और ये सीन है कि और बहुत अच्छी चीज़ें हैं इधर, मेडिकल से लेकर हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा कैंप है। कदीर भाई कैसा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रिया का? बहुत अच्छा, खाना शाना फैबुलस, 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 फैबुलस। So, everything is good, food also good, accommodation good, police also, people very nice. अब देख सकते हैं कदीर भाई के weather so beautiful, so gorgeous. अब देख सकते हैं कदीर भाई, हमने जो सफर तय किया है ना कसम से उस सफर का ये रिवॉर्ड हमें मिला है। लेकिन अभी हमारा सफर आगे इटली का है, इंशाल्लाह देखते हैं कि वहाँ में कैंप मिलता है कि नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ऑस्ट्रिया में हम इधर गए थे स्पोर्ट्स हॉल पे, तो वापस आए हैं, तो आज इंशाल्लाह हमने निकल जाना आगे इटली के लिए। तो अभी कदीर भाई विर्द कर रहे हैं तस्बीह का, तो विर्द इसके बाद मैं करूँगा। तो अल्लाह को याद कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तुम्हारे लिए दुआ कीजिएगा कदीर भाई। आगे जाने के लिए नहीं है, हमेशा करते, हमेशा करना, बिल्कुल भी कोई शक नहीं। तो अल्लाह सबको कामयाबी दे, और जिक्र अल्लाह का हमेशा करना चाहिए, फिक्र रब का बुलंद होना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला इज बेस्ट प्लानर, यू नो ब्रदर, आई एम राइट ब्रो? राइट, ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो। तो अभी हम इटली के लिए निकल रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने बहुत लंबा सफ़र किया, एक लोकेशन सेंड किया है उसने जिस गाड़ी पे मैंने बैठना है। तो दूर दूर तक मैं आया हूँ, रास्ते में कुछ बंदे थे जो मकामी इधर के थे, अपने डॉग वगैरह लेके आए हुए थे, तो वहाँ पर वीडियो शूडियो मैंने नहीं बनाई। अभी मैं वैसे चल रहा हूँ, ऐसे सारा सफ़र है जंगल में, सारा जंगल आसपास, तो दुआ करो अल्लाह करे मैं पहुँच जाऊँ, मुश्किल है। बाकी कुछ बंदे हैं बेचारे जिनको मैप यूज़ करने नहीं आता, पता नहीं वो कैसे पहुँचेंगे, मुझे इस चीज़ की टेंशन बनी हुई है। बाकी देखते हैं अल्लाह खैर करेगा फिर है। अभी एक अजीब सी लोकेशन आ गई है, इधर से मैं जंगल से क्रॉस किया है, ये सारा एरिया है, वो आगे कुछ बने हुए मे बी वहाँ पर चेक पॉइंट हो इनका जो है निज़ाम, इधर घर भी एक बना हुआ है, तो देखते हैं फिर वहाँ पे जाकर। मैं अकेला यार पहुँच गया हूँ, पीछे पता नहीं आ भी रहा है, कोई नहीं आ रहा, ये ना ओके या मैं बैठा रहा हूँ बंदे पहुँचे ना गेम कैंसिल हो जाए। ये चेक पॉइंट ऊपर रहा, आगे हाईवे है, इसके ऊपर चेक पॉइंट है, अजीब अभी तक समझ नहीं आ रही यार, अकेला आ गया हूँ मैं, सब ने तरतीब बनाई हुई थी एक एक करके निकलना है, हालांकि मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है ना सिम है, कुछ भी नहीं है, सिम है मेरे पास लेकिन वो सर्विस ही नहीं दे रही, किसी टाइम रोमिंग ऑन होती है किसी टाइम नहीं होती, अजीब यार मैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब दुआ यही है कि यहाँ पे बैठ जाता हूँ, और देखो पानी शानी है हर तरफ, कोई समझ नहीं आ रही, उधर से मैं आया हूँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात फील हो रही है, तो देखते हैं फिर अल्लाह खैर करेगा, अब दुआ करना यार। यहाँ तो इस जगह पे हम एक छोटे से कैबिन में रहे हैं सारे, हम सामने वो देखो पहाड़ बर्फ़ बनी हुई है भाई, चलो सर्दी में आए हैं अभी, बूट सारे मेरे गीले हैं भाई, तो अभी यही बूट पहनेंगे, ये पहन के स्टेशन की तरफ जाएंगे। सुबह सुबह हम वेट कर रहे हैं बस का, और सारा ये व्यू है हमारे सामने, इटली का एक छोटा सा गांव है, बस का वेट कर रहे हैं अभी, यही कोई पता नहीं बस रुकती भी है कि नहीं, आगे गुजर गया उसने हमें देखा था कि भी नहीं है,